इसी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने तथा धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर वापस लौटने में कुल 4 घंटे 30 मिनट में पूर्ण करती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो ये धारा हो गई हमारी और ये हो गई इस पर नाव। तो धारा की चाल अगर एक्स है और नाव की चाल हमें दी हुई है 15 किलोमीटर प्रति घंटे, तो नाव की चाल पंद्रह किलोमीटर प्रति घंटे, धारा की चाल एक्स किलोमीटर प्रति घंटा हमने मान लिए माना। तो धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल जुड़ जाएगी धारा की चाल के साथ एक्स प्लस 15। धारा के विपरीत विपरीत चाल या नाव की चाल लिख देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगी 15 में से एक्स जो है घट जाएगी विपरीत। अब कह रहा है कि धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर और धारा के वापस लौटने में, तो प्रश्नानुसार हमारा समीकरण बनेगा 30 किलोमीटर जाने में 15 प्लस एक्स प्लस 30 किलोमीटर वापस आने में 15 माइनस एक्स, ये लग रहा है पूरा समय 4 घंटे 30 मिनट। तो 4 घंटे 30 मिनट को भी मैं घंटे में चेंज कर लूँगा, तो 4 प्लस 30 बटे 60, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो मैं मिनट को सेकंड घंटे में बनाना चाहता हूँ, 60 का भाग लाना होगा। तो 30 15 धन एक्स 30 15 माइनस एक्स, यहाँ से एक बटे दो बार कट गया, 4 से 4 प्लस 1 बटे दो, यानी 4 दुनी 8 9 बटे दो। 30 यहाँ से मैं कॉमन ले लूँगा, 15 धन एक्स 1 बटे 15 ऋण एक्स बराबर 9 बटे दो, 9 3 से कट जाएगा ये 10 बार, 3 से कट जाएगा ये 3 बार। तो मैं अब इसको हल करूँगा, 15 माइनस एक्स 15 प्लस एक्स अपॉन 15 प्लस एक्स इंटू 15 माइनस एक्स बराबर 3 गुणा 2 10 का यहाँ पे भाग आ जाएगा। तो ये एक्स से एक्स कट गया मेरे पास, 15 दुनी 30, और ये ए प्लस बी ए माइनस बी 15 का स्क्वायर करेंगे, एक्स का स्क्वायर करेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये 3 बट्टे 20 हो जाएगा। 3 से कट गया ये 10 बार, और 10 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 20 गुणा 10, 15 225 होता है 15 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये हो गया 200। एक्स को उधर ले जाऊँगा, 225 माइनस 200 बराबर एक्स स्क्वायर, ये बचा 25 बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स में अंडू लेंगे 25 का तो आ जाएगा 5। तो धारा की चाल आ गई 5 किलोमीटर प्रति घंटे, यही इसका उत्तर है। तो इस तरह से हमने इसको हल किया, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को शेयर सब्सक्राइब भी कर लें।